नमस्कार, मैं रोमित सिंह ठाकुर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले से पूरे देश में एक माहौल चला है कि जिसमें हमारे समाज के प्रति अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग किया जा रहा है, और उनको देखकर अन्य नए नए 100-100 ग्राम के लड़के तैयार हो गए कि वो राजपूतों से भिड़ेंगे और राजपूत समाज को गालियां देने का काम शुरू हो गया है। पूरे देश में हर जगह हमने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग करी उन लोगों के लिए, लेकिन अभी तक कहीं पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने जिला शिमला में एएसपी सुनील नेगी जी को एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत पत्र दिया था, अभी तक उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हमने अभी 5 तारीख को सचिवालय के बाहर भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हमने तब भी कहा कि एफआईआर दर्ज की गए। हमारे एप्लीकेशनों के ऊपर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है, बल्कि हरियाणा से भाई प्रदीप भट्टा और भाई ओकेंद्र राणा के ऊपर एट्रोसिटी एससी स्टेट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनको गिरफ्तारी के लिए उनके आदेश निकाल दिए गए हैं। जिला शिमला पुलिस प्रशासन को मैं 48 घंटे का मैं समय देता हूं। अगर 48 घंटों के भीतर उन्होंने उस महक सिंह के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज नहीं की, जिला शिमला की शिमला शहर की सड़कें हम बंद कर देंगे। आपने जो उखाड़ना होगा आप उखाड़ लेना, जिला शिमला की सड़कें बंद करेंगे तो बंद करेंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम है। हमारे शिकायत पत्र के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो फिर अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहना। जिम्मेवारी शिमला पुलिस प्रशासन की होगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जो भी माहौल होगा जिम्मेवारी आपकी होगी, सरकार की होगी। 48 घंटे का अल्टीमेटम। जय भवानी जय राजपुताना, और सारे के सारे साथी हिमाचल प्रदेश के तैयार हो जाएं शिमला को बंद करने के लिए। हमारे समाज को गालियां देने वाले सरेआम घूम रहे हैं और हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है। एट्रोसिटी एससी एसटी एक्ट में ये न्याय देगा ये कानून, और ये सरकार ये पुलिस प्रशासन हमारे लोगों को 48 घंटे मतलब 48 घंटे सुन ले पुलिस प्रशासन, सड़कें बंद कर देंगे पूरी की पूरी तरीके से अगर 48 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जय मां भवानी जय राजपुताना जय परशुराम।